वेलकम बैक पार्ट टू के सेकंड क्वेश्चन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर, कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे मेरे पास A13 दिया हुआ है, A13 मुझे ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब 13th नंबर का मुझे टर्म कौन सा होगा ढूंढना है। सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस -3 दिया हुआ है, ठीक है। 1 मार्क में या MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे यहाँ पे A13 मतलब AN ढूंढना है, तो यहाँ पे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये मेरा फॉर्मूला है। फिलहाल मुझे N इज इक्वल टू, आप देख सकते हो A के नीचे क्या है, 13 है, तो मुझे N की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 मिल गई, राइट। अब मैं रख रहा हूँ ये वैल्यू, A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 29 D हो गया। अब A13 इज इक्वल टू A की वैल्यू 10 थी, 29 इंटू -3, A13 इज इक्वल टू 10 प्लस 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6, 87, वो भी माइनस में, तो A30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -77, जो आंसर ऊपर आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से आप AN का फॉर्मूला लगा के आप कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, A इज इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है, D इज इक्वल टू 0 है और AN हमें फाइंड करना है, और फिलहाल N की वैल्यू 105 है, आंसर आपका आना चाहिए 00। ट्राई करते हैं, AN मुझे फाइंड करना है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N की वैल्यू क्या थी, 105, A की वैल्यू 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करोगे तो 104 हो जाएगा, और D की वैल्यू क्या थी, 0। अब A 105 इज इक्वल टू 3.5 और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब A 105 इज इक्वल टू 3.5, मतलब देख लीजिए आप, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा। किसी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 3.5 है, राइट, और उसमें डिफरेंस क्या है, 0 है, मतलब हम उसके अंदर कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं, तो वैल्यू वही की वही रिपीट होती जाएगी, चाहे उसको आप 100 का नंबर ढूंढो या उसका 15 नंबर का ढूंढो या 10 नंबर का टर्म ढूंढो, तो भी आपको क्या मिलेगा, 3.5 मिलेगा। तो देखिए, मैंने इस सीरीज का जो 105 नंबर का टर्म ढूंढा है तो भी कितना आया है, 3.5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है, तो फिर आप कोई सा भी टर्म ढूंढोगे वैल्यू तो फर्स्ट टर्म के बराबर ही आएगी, राइट। तो AN यहां से कंक्लूजन ले लेते हैं, हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर इफ डी इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू AN, राइट, ए इज इक्वल टू AN, अगर डी 0 होता है तो सीरीज का कोई भी टर्म ले लो वो फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, यहां से हमने ये चीज कंक्लूड किया। मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अब थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी इसकी हम इंक्रीज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच।